और रिजल्ट्स पर अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये अप्रत्याशित फैसला है, हालांकि स्वीकार है। हार के बाद अशोक गहलोत का ये पहला बयान, ये अप्रत्याशित परिणाम पर स्वीकार। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं, अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ। हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए, ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून में ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है, स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है और गारंटी में थी, वो शानदार थी, उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले। परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं, इसलिए जब तीन राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा अभी तो